365 न्यूज आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। झारखंड राज्य बने हुए 19 वर्ष होने के बाद भी यहां की जनता को अभी तक सही प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, विकास दिखाई नहीं दे रही है। आप यहां के प्रत्याशी हैं, जनता को आपसे क्या उम्मीद है? देखिए, इसमें जो उम्मीद से झारखंड राज्य अलग हुआ था, उस सही ढंग से झारखंड राज्य का जो सस्ता कर वाला है, जो हमारा जनप्रतिनिधि, जो यहाँ का मुख्यमंत्री, उस सही ढंग से हम लोग मुख्यमंत्री नहीं चुन पाए, इसलिए झारखंड का इस परिस्थिति है। क्योंकि जैसे भाजपा का, देखिए, जो रघुवर जी का नेतृत्व में सरकार हुआ, इस झारखंड का बारे, इसका यहाँ इतिहास, जो भूगोल, क्या इसका बारे का जानकारी, कागज कलम में इसका खाली चलता है। आज देखिए ना, आप जमशेदपुर से रांची आता है, कभी आप बाय रोड में आया है तो पता चलेगा कि यहाँ का झारखंड का किस तरह का आदमी जनता रहता है। यहाँ कुछ दिन पहले बोला था, देखिए, एम्स जो हमारा अग्रवादी MCC वाला लोग मुक्त कराएंगे, कहाँ का मुक्त करा पाएगा? आप देखिए, यह नक्सली क्षेत्र है प्रभावित, तो आज चुनाव आयुक्त ने बता रहा, जो कि CM साहब बोला कि हम मुक्त करेंगे, कहाँ कर पाए? जो भी जनप्रतिनिधि है, 30 साल से खाली लूटने के लिए, विकास नहीं है। इचागढ़ विधानसभा यहाँ विनाश हुआ है, आपको बता दे रहा पत्रकार महादोय, यहाँ खाली लूटने का, खाली वोट का टाइम, जड़हात करके वोट मांगने का काम करता है। यहाँ दारू, मौत, मुर्गा खाली ई करके वोट लेने के लिए काम करता है, खाली इलेक्शन जो आता है उस समय। का नक्सली एरिया क्षेत्र है, कहीं व्यवस्था पानी का नहीं है, रोड का रास्ता का कहीं नहीं, कोई प्रतिनिधि तक नहीं पहुंचता है। अब देखिए, वहाँ आपका इधर लेपाटार घाटिया घाटशिला बुधोई, एक और हम लोग का यहाँ दुख का बात है, यहाँ हमारा जो भी विधायक बना है, जैसे इससे पहले भाजपा के विधायक जो साधुचरण महतो, चाहे हमारा रामटोल चौधरी जो संसाद जी है, जो कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, आज नीमडी प्रखंड में बांध दिए, आदर्श ग्राम कहता है, कागज कलम में आदर्श ग्राम है, लेकिन वहाँ आप जाके पत्रकार महतो, आप थोड़ा देख लीजिए जमीन स्तर क्या है परिस्थिति। वहाँ ना बिजली का व्यवस्था अच्छा है, ना रोड का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, ना वहाँ स्वास्थ्य का, ऐसा परिस्थिति यहाँ भी है, जो कि वहाँ आदर्श ग्राम है। आप कुल्ली देखिए, कुल्ली का क्या है सामने है, आप देख लीजिए, खाली यहाँ नेता क्या है, यहाँ आपका माने हम जनता का यहाँ कंधा पर बंदूक रख के चलाने के काम करता है, और कुछ नहीं, खाली बड़े बड़े जैसे साधुचरण महतो, यहाँ विस्थापित का 25 लाख दिलाएंगे, कब 15 लाख दिलाएंगे, जिसका जिसका 18 साल 2000 तक हुआ है, उस 15 साल में तो उसका हम विकास सुस्ती बना देंगे, ये कर देंगे, ऊपर देंगे, कहीं नहीं, खाली बहानाबाजी है, खाली विस्थापित को ठकाने का काम किया है। आज तो विकास के लिए इतना फंड आई है, तो फंड गई कहाँ? फंड आया है उसका तो 14.5% लेता है सर्जन महतो, पहले चाहे कहीं नायरोल फोड़ेगा ना, फीता करने जाएगा तो उसको 5% पहले पॉकेट में देना होगा, उसका बाद फिर नायरोल फोड़ने जाता है साधुचरण महतो, यही तो है। आप देखिए ना, इससे पहले विधायक नहीं बना था यहाँ, आप क्षेत्रों में देखिए, और आप उसका घर देखिए, अभी 20 mm का 32 mm का रोड देके आपका हजारों आदमी वहाँ उसका मीटिंग करने के लिए मकान बना है, इससे पहले 5 आदमी बैठने का जगह नहीं था, तो आदमी विधायक बना तो कहाँ सा हुआ, पैसा क्या चुरी डका चिंता है क्या? नहीं किया, लेकिन जो पैसा आता है उसी में कमीशन लेता है बस। अब देखिए, तालाब का जो 70 लाख रुपया का, 30 लाख रुपया का तालाब है, तो उसमें 30 लाख रुपया तालाब का, 2 लाख रुपया का काम हुआ है, 70 लाख रुपया वाला 5 लाख का काम हुआ, बाकी बस कागज कलम में फाइनल। अब इचागढ़ का जनता का पूछिए, हम क्या बोलेंगे? हम इचागढ़ का जनता का, हमारा बोली का हो, चाहे आपका लेवार प्लस का हो, वो उस तरह का अगर आदमी चीफ मिनिस्टर बनता, जगत आदमी जो है, तो यहाँ का झारखंड के बारे में उसको जानकारी रहेगा, तो झारखंड में विकास जरूर होगा। क्योंकि बिहार और झारखंड में कोई हम लोग का भी अंतर नहीं हुआ है। विस्थापितों के बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, विस्थापित का जो हमारा सरकार ने एग्रीमेंट किया, हर विकास पुस्ती, हर परिवार को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उसमें सरकार नहीं कर पाया, इसलिए इसको जो विस्थापित का बहुत ही आज 35 साल का पुराना है। आज देखिए, 22 को पुनर्वास है, 22 को पुनर्वास में कहीं व्यवस्था कुछ नहीं है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना रोड रास्ता अच्छा है, ना बिजली है, ना वहाँ बेरोजगार का रोजगार का साधन है। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो जनता को क्या दीजिएगा? देखिए, जनता अगर हमको
विधायक प्रतिनिधि अगर हम यहाँ गणतंत्र मंदिर विधानसभा सदन तक अगर भेजता है तो जनता का प्रति हर दुख सुख में हम खड़ा रहेंगे। और सबसे पहले मेरा विस्थापित का जो 116 गांव जो हमारा 84 मोर्चा विस्थापित हुआ है, सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा। इसका आवाज़ हम विधानसभा सबसे पहला इसको आवाज़ उठाएंगे और इसको पैकेज दिलाने का काम कराने का हम प्रयास करेंगे। इसके लिए हमको अगर दिल्ली भी अगर वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा उसके करने लिए तैयार है। और हम चुनाव आज नहीं लड़ रहे थे, मेरा आवाज घर में आके जनता यहाँ कैचागढ़ चांडी लिमडी इचागढ़ कुकड़ू हमारा 57 पंचायत का आदमी आया है आके बोला बोनू जी आपका तरह जनता अगर का बीच में आप जाते हैं हर दुख सुख में तो आपका जैसे हम लोग प्रतिनिधि के रूप में हम लोग देखने चाहते हैं और आपको विधानसभा तक हम लोग भेजने का काम करने का हम लोग का जिम्मा है। इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं मतलब क्या हम आज जनता की मांग पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। मांग पर लड़ रहे चुनाव, मेरा शौक नहीं था चुनाव लड़ने का, जनता का प्रति हम काम करके जा रहा सेवा करने जा रहा था। भले रोड रास्ता हो चाहे बिजली हो चाहे विस्थापित का हो चाहे हमारा बीपीएल कार्ड का हो चाहे इंदिरा आवास का हो, हमारा युवा लड़का लोग जो कॉलेज में जो हमारा उन लोगों का जाति आवास के लिए हो, हर किस्म का हम हर दुख सुख में आदमी के साथ हम रहता है जनता के साथ। आज जनता हमारा घर आके बोलेगा आपका जैसे आदमी को हम लोग विधानसभा तक भेजने का काम करने का हम लोग प्रयास करेंगे और आप चुनाव लड़िए हम आप लोग को खड़ा करेंगे और आपका की करके हम लोग भेजेंगे विधानसभा तक। बोलो जी आपका आत्मबल क्या कह रहा है कि आप जीत रहे हैं? देखिए इसमें हम तो कोई तुमत नहीं हमारा, देखिए जीतने